हाय एवरीवन गाइस, एक और न्यू वीडियो पे आपको स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो। सो गाइस, आपको मैं पिछले वाला वीडियो पे सिखाया था कैसे आप एक प्रोफेशनल तरीके से लोगो बना सकते हो, लेकिन गाइस उस वीडियो के अंदर मैं आपको बैनर बनाना नहीं सिखाया था। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक प्रोफेशनल तरीके से बैनर बना सकती हो। देखो गाइज, मैं हर एक वीडियो पे एग्जांपल देता हूँ, इस वीडियो के अंदर भी एक एग्जांपल तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो देखो, अगर कोई आदमी या फिर कोई लड़की है, ठीक है, वो देखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसका ड्रेसअप अच्छा नहीं पहनते, तो देखने में उसको उतना भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि गाइज एक ड्रेसअप उसको एकदम अच्छा बना, खराब इंसान को गाइज एक ड्रेसअप पहन के उसको अच्छा बना देता है। सो ऐसे गाइज हमारे चैनल के ऊपर ऐसे काम करता है हमारा बैनर और लोगो। सो अगर आपका बैनर और लोगो अच्छा होगा तो आपका प्रोफेशनल, मतलब देखने में आपका चैनल प्रोफेशनल लगेगा। सो यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाऊंगा कैसे आप एकदम जल्दी में कैसे एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो, जो कि गाइस आपका भाई का चैनल पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बैनर है। लाइक वैसे ही बैनर बना के आपको दिखाऊंगा एकदम जल्दी में। और हाँ गाइस, इस चैनल पे आप लोगों को जीरो से लेके हीरो तक मिलने वाला है। सो गाइस, इस चैनल के अंदर मैं आप लोगों को प्रो यूट्यूबर बनने का मौका दे रहा हूँ, मतलब फ्री ऑफकोर्स फ्री वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब कैसे आप जीमेल बनाए, कैसे चैनल बनाए, कैसे लोगो बनाए, कैसे बैनर बनाए, कैसे वीडियो अपलोड करें, मतलब समथिंग बहुत कुछ सिखाऊंगा। और भी गाइस बाकी है गाइस, जो कि गाइस हर एक यूट्यूबर कोर्स सेल करता है और उस कोर्स का पैसा लेता है 30 से 40 हज़ार रुपये ले लेता है। और गाइस आपका भाई आप लोगों को सिखाएगा एकदम कैसे फ्री में आप लोग YouTube चैनल बना के उसके अंदर से आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हो। मतलब गाइस आपका भाई आप लोगों को फ्री में गाइस सिखा रहा है YouTube का नॉलेज। तो जाओ और चैनल चेकआउट करो, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा नहीं लगी तो सब्सक्राइब नहीं करना। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिखाता हूँ कैसे एक बैनर बनाना, उसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको सिखाएंगे कैसे आप एक वीडियोस अपलोड कर सकते हो प्रोफेशनल तरीके से अपने चैनल के ऊपर। क्योंकि गाइस देखो, इस चैनल के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखा दिया कैसे जीमेल बनाना, उसके बाद मैं सिखाया उस जीमेल से कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, वो यूट्यूब चैनल से आप यूट्यूब चैनल पे आप लोग कैसे लोगो सेट करना, मतलब लोगो बनाना, तो उसके बाद बारी आता है हमारा बैनर बनाने का। तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद गाइस नेक्स्ट वीडियो आएगा कैसे आप लोग एक वीडियो अपलोड कर सकते हो 2023 का न्यू तरीके से। सो यार आप लोग वेट जरूर से करना। एंड गाइस, इस थंबनेल के लिए गाइस एंड गाइस इस बैनर के लिए तो गाइस एक लाइक कर देना, क्योंकि गाइस 2023 का बूम बम बैनर होने वाला ये वाला बैनर। तो चलो यार, जल्दी से आप सभी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बैनर बना के चला आता हूँ। मोबाइल स्क्रीन पे आ गया एंड आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करनी होगी अगर आप लोगों को प्रोफेशनल बैनर बनाना है, तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सेल लैब। इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एंड पिछले वाला वीडियो में आपको दिखा था इस एप्लीकेशन से कैसे आप प्रोफेशनल तरीके से एक लोगो बना सकते हो। तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखा तो आपको तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और गाइस, जितना भी सारे बड़े बड़े क्रिएटर है यूट्यूब के ऊपर, तो हर एक क्रिएटर इस एप्लीकेशन की यूज़ करता है। लाइक मैं इस एप्लीकेशन को 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ गाइस, मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त वाला एप्लीकेशन लगता है ये वाला। क्योंकि गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर हर एक क्वालिटी होता है, आप थंबनेल बैनर लोगो जो चाहिए वो बना सकते हो। जस्ट गाइस आपको उस चीज़ों के ऊपर नॉलेज रहना चाहिए। सो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करनी होगी, ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करना, मेरा डिस्क्रिप्शन ओपन करना एंड देन वहाँ पे देखना। मैं यहाँ पे 3-4 PNG का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके उस 3-4 PNG को डाउनलोड करना होगा, जिसका बैनर का साइज होगा और कुछ एवरीथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोग सारे के सारे मटेरियल को डाउनलोड करना होगा। सो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, इस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना। सो आने के बाद देन आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे आप लोग ऊपर देख रहे हो 3 डॉट, इसके ऊपर देन क्लिक कर देना। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऊपर क्लिक का यूज़ इमेज फॉर गैलरी पे आपको क्लिक कर देना। देन गाइस आप लोग क्लिक करने के बाद आपको मैं कुछ यहाँ पे PNG दूंगा, उस PNG को डाउनलोड करना। तो सबसे पहले आप लोग इस वाला PNG को यहाँ पे ऐड कर लेना, ओके। देन आपको क्या करनी होगी, ये जो टेक्स्ट देख रहे हो ना, इसको आप लोग यहाँ ऊपर डिलीट के ऊपर ऑप्शन क्लिक करके डिलीट कर देना, बाद में आप लोग इसको लगा सकते हो। उसके बाद क्या करना होगा, आपको क्या करना नहीं होगी, सबसे पहले देखो ये तो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है एंड हमको यहाँ पे एक ये चाहिए, एक साइज चाहिए ना, यहाँ पे जो ये बैनर हमारा पतली सी होगा, तो हमको वो साइज़ कहाँ से लाना, तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर डाउनलोड कर लेना है। सो देन आपको क्या करना, नीचे यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन, उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे ऊपर क्लिक कर देना। देन गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टार के बगल में इनपुट ऑप्शन है, तो आपको इनपुट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसको ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब बैनर कवर का साइज़ दे दूंगा, तो आपको इसको डाउनलोड तो कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। सो इसको डाउनलोड करने के बाद, इसको यहाँ पे इनपुट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हाथ से इसको ड्रैग करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा।
आपको नीचे जाना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइज़ का ऑप्शन है, इसको 100 कर देना, इसको हम भी 100 कर देना, देन आपको इसको राइट कर देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करनी होगी, आपका जो ये चीज़ें ना है ये आपको लॉक करनी होगी, जो ऊपर का जो मैंने जो साइज़ का चीज़ लगाया, देखो ये हिल रहा है ठीक है, तो इसको मेरे को लॉक करनी होगी। तो लॉक मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए आप लोग देखो ऊपर ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, देन आपको यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, इसको लॉक को क्लिक कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो ये चीज़ है ना ये लॉक हो चुका है, जितना भी मैं हाथ में ऐसे ये करूँगा फिर भी ये हिलेगा नहीं। सो आपका भी क्या करनी होगी दोस्तों, यहाँ पे मेरे को एक और एक PNG सेट करनी होगी, जिसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर लेना है, देन आपको उसको यहाँ पे डाउनलोड करके फिर उसको इंपोर्ट कर लेना है ठीक है। सो दैट्स, देखो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। सो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, ये वाला मैं सबसे पहले ये वाला ऊपर क्लिक करके इसको मैं हाइड करके रखता हूँ ठीक है, ये मैं आपको बाद में लगाना सिखाऊंगा। एंड मेरे को अभी क्या करनी होगी, यहाँ पे एक PNG सेट करना होगा, मतलब मेरा यहाँ पे फोटो यहाँ पे सेट करना होगा। तो चलो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो लेकर आता हूँ ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, देख सकते हो एकदम 4K क्वालिटी का फोटो है, इसको मैंने राइट कर दिया। देन आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे जूम आउट कर देना ठीक है, इसको जूम आउट करके देन आपको क्या करनी है, देखो गाइस हमारा फोटो सबसे ऊपर दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हमको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ये वाला क्लिक करके मेरा फोटो को ड्रैग करके इसके नीचे लाना होगा ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा लेना, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको मैंने यहाँ पे मैनेज करता हूँ ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और देन छोटा करने के बाद मेरे को इसको मैनेज करके यहाँ पे रखनी होगी। सो इस साइज़ के हिसाब से मैंने इसको रख दिया ओके, यहाँ पे मेरा परफेक्ट हो चुका है। यार मैं ज़्यादा परफेक्ट नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करनी होगी दोस्तों, आपको सबसे पहले जो मैं PNG मैंने यहाँ पे लगाया के रख दिया था, उसको आप लोग ड्रैग करके नीचे एकदम नीचे लाना पड़ेगा ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, मैं इस फोटो को लॉक कर दिया मेरा वाला, तो ये हिलेगा नहीं, जस्ट ये वाला हिलेगा। तो उसके बाद क्या करनी होगी, ये वाला चीज़ों को मैं ऐसे करके ड्रैग करके पतली कर दूंगा ठीक है। सो ये चीज़ों को मेरे को पतली करना है, ऐसे करके पतली ठीक है। देन इसको पतली करने के बाद आपको क्या करनी होगी, सबसे पहले क्रॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, देन आपको ऐसा ये वाला ऑप्शन क्लिक करना ठीक है, ये वाला देख रहे हो, तो आपका ये चीज़ उल्टा हो जाएगा। देन आपको इसको राइट कर देना, तो यहाँ पे देख सकते हो ये उल्टा हो चुका है, इसको मैं ड्रैग आउट मतलब ड्रैग करूँगा। देन इसको ड्रैग करने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो चुका है, रुको और छोटा करना होगा इस ऐसे करके, तो हमको इसको पतली करना है, ज़्यादा यहाँ पे बड़े करेंगे तो कचरा लग जाएगा। सो देन इसको मैंने यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दिया। सो राइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस चीज़ों को लॉक करके रखना होगा, ताकि ये हिले ना ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पे फॉन्ट को ऐड करना होगा, मतलब यहाँ पे जो नाम होगा ना उस नाम को मेरे को ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन पे ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो प्लस वाला आइकन, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। देन इसको मेरे को यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना इसको मेरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा, अबे आ जा। देन आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ फटाक से नाम लिख के आता हूँ। सो यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे लिख चुका हूँ, एंड ओके करना। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, एंड मेरे को जो ये देख सो मेरा जो यहाँ पे टेक्स्ट ना ये मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे कलर्स पे जाऊँगा, इसको मैं क्या करूँगा आई थिंक वाइट कर दूँगा ओके। सो इसको मैंने वाइट कर दिया। देन इसको मैं क्या करूँगा इधर रखूँगा तो ये दिखाई नहीं देगा, तो हमको कुछ कलर चेंज करनी होगी। अभी हमको क्या करना होगा, ये जो PNG मैंने दिया ना जो वाइट कलर का, इसको मेरे को कलरिंग करना होगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको पर क्लिक कर दिया, इसको मैं लॉक से ताला हटा दिया, फिर इसको क्लिक कर दिया। फिर गाइज मेरे को यहाँ पर जाके कलर पे जाके मैं ये क्या करूँगा, मेरा थंबनेल का जो कलर्स है ना ये वाला, चलो ये वाला कलर्स मैंने ऐड कर दिया ओके। सो ये वाला कलर मैं ऐड कर दिया, नहीं तो भाई यार मतलब मेरा जो टेक्स्ट है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है। सो इसके बाद ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको लॉक कर दूंगा। एंड मेरा नाम का जो है ना ये नाम को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फिर को फॉन्ट चेंज करना होगा, तो यहाँ पे नीचे जाऊँगा देख सकते हो AB का फॉन्ट है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आपको फॉन्ट का लिंक गाइस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लोग डाउनलोड जरूर से कर लेना ओके। सो मैं यहाँ पे एक फॉन्ट फटाक से चूज़ कर लेता हूँ फटाक से। सो मैं ये वाला फॉन्ट चूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है मेरे को फॉन्ट ढूंढने का। देन आपको क्या करनी होगी, इसके ऊपर क्लिक करके इसको साइज़ के हिसाब से लेकर आना, यानी ये जाल के ऊपर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो आपका जो थंबनेल का जो आपका जो बैनर का साइज़ वो ठीक ठाक है या फिर नहीं ओके। देन मेरे को इस टेक्स्ट को एडिट करना है, तो उसको एडिट करने के लिए सबसे पहले मैं नीचे जाऊँगा, नीचे। उसके बाद देखो यहाँ पे इनर शैडो, इसको जाके मेरे को ऑन कर देना होगा। देन इसको ऑन करने के बाद हमको क्या करना होगा, ये वाला कलर सेलेक्ट करना होगा। देन इसको कम कर देना ब्लर को, एंड इसको थोड़ा सा हम इस साइड पर लाएंगे ठीक है, हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे थोड़ा सा ओके।
देन मेरे को यहाँ पे क्या करनी होगी, राइट पे क्लिक कर देना। देखो गाइज हमारा टेक्स्ट कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। एंड मेरे को यहाँ पे कुछ PNG अभी ऐड करना होगा, देन हमारा लोगो और भी ज़्यादा, मतलब हमारा बैनर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस नाम को लॉक कर देंगे। देन लॉक करने के बाद आपको क्या करनी होगी, फिर से मेरे को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट को लाना होगा। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे यहाँ पे जाकर पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, फटाक से वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरे को यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा इस टेक, ओके मतलब टेक वीडियोस आएगा। उसके बाद तुम्हारा मतलब फैन लिख दिया, उसके बाद लिखा मैंने अनबॉक्सिंग, ओके तो ये तीनों चीज़ मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। देन ओके करने के बाद मेरे को क्या करना होगा, मेरे को फॉन्ट सिलेक्ट करनी होगी। सो जाया मैं यहाँ पे फॉन्ट पे गया एंड फॉन्ट पे जाके मेरे को ये वाला फॉन्ट मेरे को सेट करनी होगी, जो कि गाइस फटाक से मेरे को अभी ढूंढना होगा इधर से। सो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फॉन्ट मेरे को सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको नीचे रखूँगा, ओके सो इसको नीचे रखूँगा। नीचे रखने के बाद मेरे को क्या करनी होगी, कुछ नहीं करना, इधर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखो इधर बैकग्राउंड है, इसको आपको ऑन करना होगा। देन आपको क्या करनी होगी, ये वाला को मेरे को ये भरा देता हूँ। तो देन इसको मैं क्या करूँगा, भरा दिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके ये टेक्स्ट को मैं, रुको ये वाला डिलीट कर दिया, इसको मैं फोटो का नीचे मेरा नीचे लेकर आऊँगा, तो देखने में और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, देखा आप लोगों ने। एंड गाइस अभी क्या करना होगा, अभी काम बाकी है, तो हमको क्या करनी होगी, ये वाला को मैंने लॉक कर दिया। सो इसको लॉक करने के बाद देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रहा है, ठीक है, होने दो, आपको समझ में आना चाहिए। सो आपको जो मेरा जो ये फोटोज़ देख रहे हो, इसके ऊपर मेरे को ग्लो डालना है, तो ग्लो डालने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर दिया, लॉक के ऊपर ताला भांग दिया। तो भांगने के बाद मेरे को क्या करनी होगी, यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो के ऊपर क्लिक कर दिया। देन मेरे को इधर जाना एंड देखो शेडोज़ को मेरे को ऑन कर देना। देन गाइस देखो ये भाई शेडोज़ का ऑन हो चुका है एंड मेरे को ये जो वाइट वाला है इसको सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करके इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देंगे। सो इसको देखो कम कर दिया, तो देन अच्छा लग रहा है। इसको राइट पे क्लिक करके फिर से मेरे को यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे ताकि ये हिले ना, ठीक है। तो अभी मेरे को और दो चार PNG ऐड करनी होगी जो कि देखने में और भी ज़्यादा कूल एंड अट्रैक्टिव लगेगा। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लस इंपोर्ट पे क्लिक किया। सो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे तीन YouTube का PNG, दो PNG है और एक पैसा का PNG के। तो आपको इन सारे को चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसको क्या करना है, जूम आउट करके, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारे चीज़ों को छोटे कर देता हूँ, पहले इस साइड में रख देता हूँ। देन हमको इस पैसे को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो इसको हम लोग को इधर क्लिक करके जो पैसा है इसको हम इस साइज़ के नीचे रखेंगे, हमारा जो कवर फोटो का साइज़, तो कि ये चीज़ इसका पीछे चला जाए, ठीक है। देन हमको इसको सिलेक्ट कर दिया, ऐसे करके रख दिया। देन उसके बाद हमको क्या करनी होगी, उसके बाद हमको ये जो YouTube का PNG देख रहा हूँ ना, ये वाला मैं इधर रखूँगा, ठीक है। तो इसको मैं इस साइड पर कर दिया। देन हमको ये वाला इस साइड पर रख देना। रखने के बाद देखो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल अभी लग रहा है। सो इसको इस साइड पर रखना। अबे यार हट गया। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं लॉक कर दूँगा, ठीक है। और ये वाला मैं डिलीट कर दिया। देन इसको भी लॉक कर दिया। सो अभी आप लोग देखो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग और भी कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा, नहीं तो कचरा लगेगा एकदम, पूरा हमारा जो बैनर है पूरा कचरा लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को सारे का सारे चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मेरे को क्या करना होगा, इसको सेव करना होगा। तो इसको सेव करने के लिए 4K और 8K में सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। देन एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक कर देना। देन आपको अगर 8K में सिलेक्ट करना होगा तो आप क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे अल्ट्रा पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। सो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना। देन आपका जो बैनर है ना ये सेव हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, इस बैनर को मैं लगा कर दिखाता हूँ कैसा लगता है, ओके। को चेंज करके आपको दिखाता हूँ जो मैं अभी बनाया कैसा लगता है, और आप लोग भी इसको बनाना है मेरे जैसे, मतलब एकदम कूल लगेगा देखने में। देन मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया। फिर इस साइज़ को आप लोग ऐसे करके छोटा करना, फिर सेव करना, तो आपका जो ये बैनर है ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये हमारा बैनर अभी सेट हो जाएगा कुछ देर बाद। तो आप सभी लोगों को मैं बैनर बनाना सिखा दिया और यहाँ पे मैं सेट करना भी सिखा दिया। सो गाइस कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि गाइस आपका भाई एकदम पूरा डिटेल से समझाता है। वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपका भाई ऐसे समझाएगा आपको, भूलने में गाइस वो चीज़ बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब गाइस आपके भाई गाइस छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझाता है। तो गाइस इसलिए भाई आपका भाई को यार सपोर्ट जरूर से कर देना। एंड इस चैनल पे आप लोगों को फ्री गाइस एकदम यूट्यूबर बनने का मौका मिल रहा है। जाओ यार चैनल चेकआउट करो, सब कुछ सीखने को मिलेगा जीरो से लेके हीरो तक। तो बाय बाय यार, जाओ यार आप लोग भी यूट्यूब चैनल बनाओ, आप लोग भी पैसा कमाओ मैं जैसे कमाता हूँ। गाइस मेरा भी एक मेन चैनल है, आपको पता नहीं होगा, जिसका अंदर 500 के सब्सक्राइबर्स है। ये तो गाइस मेरा यार सेकंड चैनल है, ठीक है, सेकंड नहीं मतलब ऐसे चैनल है।
चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय भारत, वंदे मातरम।